ऑडियंस, सो फाइनली हम लोग सवाद की वादियों में एंटर हो चुके हैं और हमारे बेबीज, हमारे बड़े, हम सब लोग बहुत हैप्पी हैं। फुल फैमिली के साथ जाना एक बहुत मज़े का इवेंट होता है, तब पर्सनली तो बंदा जाता ही रहता है, लेकिन गैदरिंग के साथ जाना, सब बच्चे हों बड़े हों, तो एक बहुत ही, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं। स्पेशली हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और एक्साइटेड हैं, नो डाउट मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी ऐसी ही मज़े मज़े की बातें और मज़े मज़े की इमेजेस, वीडियोस शेयर करती रहूँगी। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे, और आपको नेक्स्ट शेयर करनी है मेरी वीडियोस। मैं जैसे ही हम लोग सवाद नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे, जो भी चीज़ मैं देखूँगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो तो ऑडियंस, ये सवाद की टेंडर्स आई हैं और हमारे बच्चे जो हैं इसी में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं कि भूत आ गया, भूत। ये भी एक इंजॉयमेंट होती है बच्चों की। सो तो जो हमारी प्लानिंग है, वो हमारी इसी की प्लानिंग है जाने की मैलम जब्बा, वहाँ पर हम हमारे बच्चों को चेयर लिफ्ट में इंजॉय करवाएँगे और फिर नेक्स्ट वहाँ से मूव करेंगे। आप जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, नो डाउट, मज़े मज़े की। तो हम लोग मालम जगह बस सब थोड़ी देर तक, कुछ टाइम तक पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग मालम जगह पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत मज़े की सीनरी है, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट पे बच्चों ने इंजॉय किया है, मैं नहीं गई क्योंकि छोटा शाह मोहम्मद मेरे पास था तो फिर मुझे इधर ही स्टे करना था। हम लोगों ने यहाँ पे चटाई बिछाई हुई है, मैं भी वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों से। मोना भी मेरे पास है, वो भी नहीं गई। और ये हम लोगों ने चटाई, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, सारे बच्चों की फुल गैदरिंग है तो फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। और मोना हैप्पी है बहुत ज़्यादा। और ये हमारी जरिश फातिमा है और ये बहुत मज़े मज़े की सीनरी है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे सेल में ना पिक्स बनाते बनाते ना ये फ़िल्टर सेट हो गया, तो आप लोगों को ग्रीनरी ठीक से नज़र नहीं आ रही, मतलब मेरे फ़िल्टर की वजह से। वैसे ये बहुत सारा एरिया ग्रीन ग्रीन है, फ़िल्टर की वजह से वो कलर नहीं ठीक से शो हो रहे। मैं सेट करके ना इसकी ज़रा सेटिंग ठीक करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।